हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये देखो गुची की सुबह हुई नहीं कि उसको नींद पहले आ जाती है। और जो मेरे निशान दिख रहा है ना हाथों में, ये सिर्फ इस इन्होंने किया है। क्या कर रहे हो? निकले नीचे, इधर देखो। बहुत नीचे नहीं जाओगे आप, बहुत काम है। क्या काम है? बहुत सारे। नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग कर दो। हैप्पी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। रुको, अब कौन से टाइम की नमस्ते हो रही है? टाइम देखिए क्या बज रहे हैं। अब तो व्लॉग तो अभी शुरू हुआ है ना। अच्छा, क्यों टेंशन लेता है यार? तुम दोस्त है कि दुश्मन है? आज आंटी ने ये कांच तोड़ दिया और पूरे घर में कांच हो गया। खैर अभी तो साफ करवा दिया, बाकी एक बार और झाड़ू लगेगी। कांच टूटना शुभ होता है या अशुभ होता है, प्लीज जरूर बताना। देखो जब गुची को फूड चाहिए होता है तो वो क्या करता है? हाँ गुची आपको फूड चाहिए? फूड, गुची का फूड। देखो इतना खुश हो गया। हे एवरीवन, मैं आ गई हूँ लखन के घर पर और मुझे और सोनी दीदी को आज जाना है शॉपिंग पर। दोनों को काफ़ी टाइम के बाद हम दोनों आज जा रहे हैं। तो पहले हम थोड़ी देर मॉम के पास बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। हेलो मॉम। अच्छा, हेलो मॉम, नमस्ते। अरे नीतू, क्या बात है? आज मैं घर आया, तूने कुछ और कपड़े पहने हुए थे, फिर कुछ और, तीसरे कपड़े चेंज है तेरे एक ही घंटे के अंदर। ऐसे ही वीडियोस बनाने की, इसलिए मैं फिर ऐसी बोल रही है। हाँ। क्या ऐसे मेरी क्यों वीडियोस बनाते इसलिए ऐसे ही कटोरा कट। अरे मैंने आज खुद काटे हैं बाल। मम्मी आपकी कसम, मतलब खुद काटे हैं? हां, पागल हो गया आपकी कसम। ये ट्रिमर ये मम्मी लग रहा है, मतलब कैसे लग रहा है तूने भाई? कटोरा नहीं, अजीब लग रहे हो सच में। दिखाओ, देख कितना खुश हो रहा है। हां, कोई कहेगा लड़की कैसी है और लड़का कटोरा कट। तो क्या हुआ भाई? यार बहुत क्यूट हो। कटोरा कटे। अब तो जो होना तो हो गया। कोई कहेगा नीतू लड़का कटोरा कट कहाँ से ढूंढा? हमें भी बता भी कैसा लड़का। उससे पूछेंगे नहीं यार, बहुत क्यूट है। मगर तूने वो लड़की कैसे ढूंढ ली और तुझे मिल कैसे गई? तुझे पसंद कैसा, तू पसंद कैसा आ गया उसे? नहीं लक्स, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो सही में, है ना? तो नीतू के लिए मैं ज्यादा क्यूट है मॉम, सच में भगवान का। इतनी क्यूट हो तू भी ना। मैंने प्यार में अंधी की हुई है नीतू। मैं अंधी है? मैं वैसे तो हूँ मगर प्यार में नहीं है। नहीं प्यार में हूँ। अभी दीदी और नीतू जा रही है शॉपिंग के लिए। मैंने बोला है छोटा सा एक दीदी के ऊपर प्रैंक करेगी। नीतू फोन ऐसे पकड़ी, बिल्कुल कैजुअल जैसा, है ना? तो गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, आप लेकिन मैनेज कर लेना। नीतू अच्छी तरह प्रैंक करेगी, ठीक है? मैं चश्मा देता हूं ना, पर अभी से पता तो है ही नहीं। क्या कैंसिल? कौन सा चश्मा कैंसिल? नहीं, कल चली जाओ। ये तो अपने घर जा रही है यार, कुछ भी क्या झूठ। अरे सच में मम्मी बोल क्या किया उसने? तबीयत खराब ना और कितनी सेल्फिश है सच में। तू कितनी सेल्फिश है, मैं लगी नहीं रोक रखा दूसरा पर, तू भी ऐसी हो गई। तो गाइस कल चलेंगे, कल चल नहीं है सच में, मम्मी ने बुलाया सच में। तो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अब मेरी बहन नहीं जा रही है, तैयार होगी, कल जाएगी। लेकिन अरे बहन कल दोबारा पहन लियो, अभी कौन सा पसीना हो गए होंगे। हां, मैं आपको दिखाता हूं मेरी प्यारी बहन है जो कि रेडी हो गई थी। अरे यार एक मिनट कैमरा बंद करो। सोनी जी कल चलेंगे, अपने काम से काम रखो, मैं तो जा रही हूं। हो मेरे बिना मौत करे, मैं तो जा रही हूं ना। तो ड्राइवर तू जाएगा या तुझे मेरी गाड़ी चलानी आती है? तुम क्या बसो तू जाएगा ओला करके, मतलब गाड़ी चलानी सुन ओला करके जाएगी। लकी एक बात तो सुन। हां, इससे छोड़ा तूने सीख ली, विकी ने सीख ली। मैं सही बता रहा हूँ मम्मी, ऑस्कर भी सीख लेता गाड़ी। सुन दीदी कैब से चली जाओ। पता चल गया दीदी को, मॉम पता चल गया, दीदी का प्रैंक बन गया। मम्मी का चश्मा मांग के जा रही है भिखारी, खुद के पास कुछ नहीं है। मम्मी से चश्मा ले लेगी, मेरे से मेरे शूज पहन जाएगी, पर यही काम है इस पे। ये क्या उधार की जिंदगी जी रही है, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया। अबे भैया काबिल बनो। अब मैं और सोनी दीदी निकल रहे हैं। लखन ने हमें बहुत डांट चुके हैं क्योंकि हमने शॉर्ट्स नहीं लेते, और दूसरी चीज ये है कि लखन ने बहुत सारे पिक्चर्स लिए और वो गुस्सा हो गए। क्यों लखन? जा यार जा, नहीं तू किसको दिखा रही है यार, तू शॉर्ट्स में तो देख मेरे पे, तो देख मैं ब्लर हूँ, अब मुझ पे फोकस है। चलो हम जा रहे हैं। चलो सोनी दीदी आज मुझे ड्राइव करनी पड़ेगी पूरे रास्ते, यार ड्राइवर भी नहीं है। कोई बात नहीं सुन दीदी, ड्राइविंग सीख लो, काम आएगी। यार हेयर कट इतना खराब हो गया है क्या? थोड़ा और तो है लेकिन काम चला हुआ है यार। कौन इतना ध्यान देता है, इतने क्लोजली कौन देखेगा? मुझे समझ नहीं आता इन लोगों के साइकोलॉजिकल दिक्कत है इन लोगों को। ओके, नीतू यहाँ से चली गई है, दीदी भी चली गई। उम्मीद करता हूँ व्लॉग बनाए, क्योंकि अगर नहीं बनाया तो आज मैं उनमें बहुत डांट लगाने वाला हूँ। मैं चलता हूँ, कुछ अकेला होगा उसके पास। अभी हमने खाना खाया है बीच में कार रोक कर, और सो दीदी को बहुत भूख लग रही थी इसलिए हमें खाना खाना पड़ा। अब हम पहुँचने वाले 5 मिनट में मॉल। हम काफ़ी लेट हो गए ना दीदी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सोनी दीदी का बैग एक्सचेंज करने, और मुझे यहाँ पर 1-2 बैग्स और अच्छे लगे। लूँगी नहीं मगर मैं यार, पैसे वेस्ट नहीं करूँगी मैं। जब तक सोनी दीदी करा रही है अपना एक्सचेंज तब तक मैं कुछ देख लेती हूँ। देखने के कोई पैसे नहीं लगते, तो देखो जितना मर्जी देखना है। मुझे ना ये वाली, ओके तो गाइस मुझे ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, ब्लैक। अब मैं अलग से पूछूँगी कि कौन सा कलर, देन मैं खरीदूँगी नहीं। सोनी दीदी ने वाइट कलर का बैग चूज़ किया है ना सोनी दीदी? मैं बताती हूँ भी कौन सा। वो देखो सामने वो जो जिसकी बिलिंग हो रही है, बहुत कॉपी कैट है। मेरे पास भी वाइट है तो खुद ने भी वाइट ले लिया। मजाक करें, उनको वाइट ही चाहिए था। गाइज नीतू पता नहीं कब तक आएगी। मैं तो अभी देख रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट का जो शपथ ग्रहण चल रहा है वो देख रहा हूँ, योगी जी को। अब यहाँ से जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। गुची हमारा सो रहा है मजे से। गुची की मम्मी पता नहीं कब तक आएगी। गाइज ये है पुलिस वाली दीदी हमारी। ये हमारी दीदी पुलिस में है। हम बड़े फक्र से बताते हैं, बड़े प्राउडली। मुझे अरेस्ट करना ही हो गया, बोलने नहीं दे रही। पूरी पुलिस वालों वाली आ रहा था। देखो मम्मी क्या बात बता रही हो? बताओ बताओ, चलो बताओ। अरे बोल दो, क्या हो गया? कैमरा रख दूं? चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा उन्होंने क्या बात बताई। तो दीदी ने एक्सचेंज बैक किया है, उसमें से पैसे बच गए हैं। तो मुझे नहीं चाहिए थी फुटवेयर्स, बट मुझे लेनी पड़ रही है क्योंकि पैसे वेस्ट जाएंगे वरना। दीदी ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ले लो। और पता है दीदी ने कि ऐसे कड़ा देखा। हमने कर ली यहाँ से शॉपिंग। अब हम चले कुछ खाने, और उसके बाद हम फिर और शॉपिंग करेंगे। है सोनी दीदी? अब सोनी दीदी और मैं आए हैं यहाँ पर लंच करने। लंच तो नहीं है, डिनर का टाइम हो चुका है। इतना दीदी ने थका दिया है सच में। मुझे समझ नहीं आता जब मैं दीदी को उधर कैमरे में देखने के लिए दीदी इधर उधर क्यों देखती हैं। प्लीज़ कमेंट्स में दीदी से ज़रूर पूछना। अच्छा खासा मैं वहाँ पर लगी थी और दीदी ने मुझे यहाँ पर बुला लिया। अब यहाँ पर देखो हम दोनों के अलावा कोई नहीं, और हमें एंट्री भी नहीं कर रहे हैं, करने दे रहे हैं लोग। सो दीदी आप बहुत बेकार हो। हम आ गए हैं LV के शोरूम में। फाइनली हमें हमारा नंबर आ गया। तो मैंने ना ये शूज़ देखे हैं, वाइट। मेरे साइज़ नहीं है इनके पास। 37.5 मेरा साइज़ है, बट नहीं है इनके पास। लेट्स सी 38 आता है या नहीं। दीदी कर रही है ये वाला बैग ट्राई। अच्छा लग रहा है दीदी, कितनी खुश हो गई हैं। इसमें से एक भी मेरा साइज़ नहीं है यार। सोनी दीदी आप सभी के बीच कुछ बोलना चाहेंगी? अच्छा देखो मेरे पास वो वाला बैग है जो यहाँ पर रखा है, और सोनी दीदी का बैग दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो हमारी होती है शॉपिंग डन। हम चले घर पर, और सोनी दी बहुत ज़्यादा थक चुकी है। कोई बात नहीं सोनी दी, घर जाकर रेस्ट कर लो। मैं तो अपने बाल भी बांध ली क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। मैं ज़्यादा टाइम तक बाल ओपन नहीं, हेयर ओपन नहीं रख सकती हूँ। ओके दीदी चले घर। ये तो फुल मजा इन्होंने आज के अलावा कुछ नहीं बोला है, और पूरे रास्ते मुझे ड्राइविंग करनी है। सो फ्रेंड्स आई एम बैक। प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही। नीतू अभी तक आई नहीं है, मेरी उससे फोन बात हुई। अब मैं जल्दी से बस अपना नहा धो के और फिर जाता हूँ। गुची मेरा वेट कर रहा होगा, बेचारा अकेला है, उसका मन नहीं लग रहा होगा। हमो और भम्मो की हमारी चल रही है फेसबुक वाली वीडियो जो पागल बनाते हैं लोगों का। उसमें एक लड़की, क्या है मम्मी उसमें क्या चल रहा है, क्या है उस फेक वीडियो में बताओ तो। देखो ये भी फेक वीडियो। वो क्या देखती रहती हुई आप, क्या है इसमें बताओ। अच्छा हो क्या रहा है एक बार बता दो बस। अभी देख लो, इसकी फैमिली आई हुई है सबकी। अरे क्या बात हुई है भाई ये बता दो मुझे, मैं जा रहा हूँ फिर नहाने जा रहा हूँ यार मैं। अरे बताओ यार, अरे मामला क्या है, हंस रही हो। मामला बता दो, अभी मुझे देखने दे। अभी तक क्या हुआ है बता दो चलो बस। अभी तक ये अपने मतलब इसकी बेटी की उम्र की है, इससे ही प्यार कर रहा है, शादी करना चाह रहा है। मम्मी यार कैसी हो आप है। अच्छा इसकी फैमिली भी आई हुई है आदमी की। मम्मी सब स्क्रिप्टेड है भाई, सब फेक है। हमसे कोई कहता है कि ऐसा करो, मैं तो ना करूँ बिल्कुल। मम्मी आप नहीं करोगी, जो एक्टर है वो तो करेंगे ना। ये एक्टर कहाँ से है मम्मी, ये सब यार आप क्यों नहीं मानती हो मम्मी आप। चल तो कोई बात, हम देख लेंगे अब पिक्चर ना देखते हैं, हमेशा ये देख लेंगे। देखो चलो करो टाइम पास अपना। गाइस हम आ गए अभी अभी जस्ट घर, और हमें घर आते हुए घंटा लग गया। और दीदी पता है ऐसे आएंगे जैसे कि दीदी ने ड्राइव करी है। और हमारी ये छोटी मोटी सी शॉपिंग। आ गई ये दोनों महारानियां शॉपिंग करके। मॉम के लिए जो लेकर आई पाई है, तो मुझे पाई के पसंद। अरे पाई क्या कहेंगे, दिखा रहा बहुत खुश हो जाएंगे यार। नहीं अभी देखो आप गाड़ी में देख ही सकते हो 8:30 बजे ये दोनों इतनी लेट आई है। नींद आ रही है मुझे तो। आ गई नींद, बहुत अच्छे। दीदी की लाइफ टेंशन फ्री तो ना गाड़ी चलानी पड़ती क्योंकि आती ही नहीं। साइड में बैठ के फोन चलाओ। हाँ चल मम्मी के पास चल रहे। हाँ और मम्मी इसने क्या करा, जब पाई दीदी ने पूछा पाई के लिए क्या लाई है तो कहती है पाई के लिए बैग। और पाई ने क्या डिसाइड करा है, नहीं पाई मैं तो के लिए कल ही कराऊंगी। पाई ने बोला कि मैं बैग लेके, तूने बोला क्योंकि पाई के लिए बैग लाई हूँ। जैसे मुझे कोई चीज लेडी दे देता, आपको जैसे फीमेल्स की कोई चीज तो मैं लाके तुम्हें को दे देता, लेडी आइटम तो फिर मम्मी का हो जाता है। मम्मी इनडायरेक्टली आप ही के लिए लाई है ये। अच्छा लगा बैग? ओके मम ले लो, अपनी लिपस्टिक लगा के दिखाओ। ठीक है, मैं लिपस्टिक में दिखा दूंगी, मुझे छोड़ो जाओ। चल नहीं तू जा, तू अब मम लगा के दिखा देंगे। देखो मम ये मैं रख दूं, लो बैग दिखा दूं तो अगली बार नीतू को देखो तो पहचान लेना कि मेरा लेगी चोरी करके आई ये बैग है, और उसे पहचान लेना अच्छे से कि जो नीतू ने पाई को गिफ्ट दिया है, पाई को गिफ्ट दिया है ये। और ऐसे दिखाओ, देखो मैं दिखा दूं। हां ठीक है, अगर ये कभी नीतू के पास दिखाई दे तो सब मेरे को बताना है कि नीतू लेगी। चालाकी भारी पड़ गई क्यों नहीं तू भाई? एक तो कुछ लाई नहीं, ऊपर से मजाक और कर रही थी कि पाई के लिए बैग लाई हूँ, लेडीज बैग दिखा के क्या हो जाएगा। मैं आप मैं क्या लाई है पाई के लिए, क्या लाई है ये? पाई मुझे वापस दे रहे हैं ना, पाई बोल दो। फंस गई नीतू, झूठ बेचारी, जल्दी जल्दी में ना वैसे बोल के फंस गई। अच्छा भाई कल इसने क्या करा था जब भाई हम लोग नहीं मिले था, भाई इसने मम्मी का आगे बोल दिया। तो वो एक बात तो बताओ भाई, कल जब आप यहाँ सो रहे थे इस रूम में, आपने बोला था कि ये पर्दा बंद कर दो, और ये पर्दे में से लाइट हट, तो इसने क्या करा फिर? और खोल दिया। मम्मी नीतू ने क्या करा सुनो, फिर नीतू ने बंद करने ऐसे खोला, उधर से और भी ज्यादा रोशनी आ गई सीधी पाई के मुंह पे। गलती से गलती हो जाए, सब गलती से किसने बैग दे दिया। वैसे नीतू को पता है कि इसकी मम्मी झूठे कह रही है, इससे लेगी नहीं बैग, किसी को दे देगी, इसे पता है। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दीदी वाला बैग कहाँ है? दिखा, ये है दीदी वाला बैग, ये चेंज करा के लाइए। पहले जो इसको बैग दिया था वो उसने वापस कर दिया, पहले इसका ब्लैक था। तुम दोनों मत भौंको, ठीक है बंद कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वैसे मजे आ गए आज आपके, दो प्रैंक, सुबह दीदी के साथ प्रैंक किया, शाम में नीतू के साथ खुद के साथ प्रैंक हुआ। वैसे मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया था, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। नीतू आई और पापा के लिए कुछ नहीं लाई थी वो, उसने मम्मी के लिए लिपस्टिक लेकर आई थी, तो मम्मी को लिपस्टिक दी। तो सडनली दीदी ने पूछा नीतू पापा के लिए क्या लाई है, तो पता उसने क्या करा, चालाकी में बोला पापा के लिए हम बैग लाई हूँ, अपना वाला बैग दिखा दिया, लेडीज़ बैग। तो पापा ने देखा, पापा ने कहा ठीक है ला मुझे दे दे, मैं ये बैग तेरी मम्मी को दे देता हूँ। और पापा ने बैग लेके मम्मी को दे दिया। नीतू फंस गई अपनी बातों में, फिर उसके साथ प्रैंक किया बहुत देर। आपने देखा आज तो वैसे मज़े आ गए होंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रही हमारे व्लॉग्स की, तो जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना उसके साइड में बेल आइकन है, उस पर टैप करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दो। ठीक है, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दें, बाय बाय।